सवालों पर अब मध्य प्रदेश में सियासी उबाल आ गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से सूबे की पुलिस फोर्स भी अछूती नहीं रही है। मध्य प्रदेश पुलिस बल के सैकड़ों जवान और अफसर अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत किसी भी पुलिसकर्मी की अब छुट्टियों में मुख्यालय छोड़ के जाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इस आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पहले गृह मंत्री को ट्वीट लिख आदेश वापस लेने की मांग की थी और अब कांग्रेस ने इसे बीजेपी से जोड़कर सत्तारूढ़ शिवराज सरकार पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी की एक बात मध्य प्रदेश और देश की जनता की समस्या है। पहले इन्होंने कहा कि जमातियों के कारण कोरोना देश में आया, फिर इन्होंने कहा मजदूरों के कारण कोरोना फैल रहा है, फिर अभी कह रहे पुलिस वाले कोरोना फैला रहे हैं। मैं समस्या परे है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल 50% 40% मंत्रिमंडल संक्रमित हो गया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक संक्रमित हो गए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बिना किसी तैयारी या बिना किसी प्रकाशन के घूमती रही, दौड़ती रही, भागती रही, आयोजन करती रही। संक्रमण उससे नहीं फैला, संक्रमण इससे फैला। ये अपने आप में इनके चाल चरित्र और चेहरे को बताता है। ये लोग कोविड को संभाल नहीं पाए, भाषण और विज्ञापन में रहे और जैसे 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 भी संक्रमण फैला उसके लिए एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की कैसे हम सरकार हथिया लें उसका एक दोषी मात्र ये रहे और उसको छुपाने की कोशिश करें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं विवेक तन्खा जी, उन्होंने भी पत्र लिखा है गृह मंत्री को, उनसे कहा है कि इस पर विचार करना चाहिए। विवेक तन्खा जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है। आप दूसरों पर इस तरीके से एक तरफ प्रधानमंत्री देश के कहते हैं जीना भी है और देश को आर्थिक व्यवस्था के साथ काम पे भी करना है और कोविड से बचना भी, और दूसरी तरफ आप इस तरह के निर्देश देते हैं, इस तरह के आदेश देते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी। ये अपने आप में बताता है कि दिशाहीन सरकार है और दिशाहीन मंत्री। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द होने पर विवाद हुआ तो गृह मंत्री को सामने आना पड़ा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार को पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा की पूरी चिंता है और इसलिए पुलिस विभाग में फिलहाल छुट्टी पर रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश के अंदर तो हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना वॉरियर्स को लिए अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, शहीदों को प्रशस्ति पत्र दिए गए, उनका सम्मान किया गया, 50 लाख रुपया का बीमा इस प्रदेश के अंदर हुआ है, प्रशस्ति पत्र दिए गए, कोरोना योद्धा और वीरता के पुरस्कार दिए गए। अच्छा होता कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब एक आध ट्वीट कर देते, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, एक हाथ को मिला क्या? पूछ ही लेते कमलनाथ जी से। आप राहुल गांधी जी खुद आए थे मध्य प्रदेश, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने का कह गए थे, 2 लाख माफ नहीं होंगे। पूछ लो एक हाथ के 10 दिन में 2 लाख माफ किए क्या कमलनाथ जी? मेरे ख्याल से ऐसा आप पूछोगे तो जनता के दिलों में जगह बना पाओगे, अन्यथा ऐसे काम करोगे तो मैं समझता हूं ज्ञान के अभाव में ऐसे तो आपकी और हेटी होनी। ट्वीट विवेक तन्खा जी हैं उन्हीं की पार्टी ने, उन्होंने भी एक पत्र लिखा है आपको कि पुलिस कर्मियों की छुट्टी कोरोना की वजह से रद्द होने का जो आदेश था इस पे क्या कोई विचार कर रहे हैं, ये भी उन्होंने इसमें जिक्र किया है। देखिए हम क्या कर रहे हैं ये हम बता देंगे। तन्खा जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनसे पूछे वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री से कि घोषणा पत्र में जो बात दी थी आपने वो छुट्टियां क्यों नहीं दी। जब वो ये पूछ ले फिर हमसे पूछ रहे कि अधिकार है, हम पे एक उंगली उठाने वालों 3 उंगली आपकी तरफ आ रही है, उसका जवाब तो हम हर जवाब देने को तैयार है, पर आपने क्यों नहीं किया? आपकी सरकार ने एक भी नौकरी या एक भी भर्ती क्यों नहीं की? फिर हमसे बेरोजगारी की बात करो, आपकी सरकार ने घोषणा पत्र में लिखने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? जवाब दो और सवाल करो, हम जवाब देंगे। हम कोई गलती कर रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ के उनसे भी माफी मांगेंगे, जनता से भी मांगेंगे, आपने क्या किया? तो सर क्या विचार कर रही है सरकार जो छुट्टियों का आदेश निकाला था डीजीपी ने कोरोना वॉरियर्स पुलिस वालों के लिए कि अभी वो घर जाते हैं तो संक्रमित होकर आ जाते हैं इसलिए फिलहाल उनके अगले आदेश तक छुट्टी रहेगी। जाते हैं तो आते हैं नहीं है वो सब,
यहाँ से ड्यूटी से जब घर जाते हैं तो घर के लोग संक्रमित हो जाते हैं, उसमें भाव ये था। फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के पार जा चुका है और 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में कोरोना योद्धा भी बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन इसका ठीकरा छुट्टियों पर फोड़ने से हैरानी जरूर होती है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।